हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और गाइस, आज बात करने वाला हूँ बैक स्पिन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल है फास्ट बॉलर्स के लिए और बहुत सारे लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाना चाहता हूँ। अगर आपका बैक स्पिन अच्छा होता है बॉल में, तो आपका स्विंग अच्छा होगा, आपका कैरी भी अच्छा होगा, और आप जब आपके हाथ से बॉल अच्छा छूटेगा ना, तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, राइट गाइस। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बात करते हैं बैक स्पिन के बारे में। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जैसे मैं आपसे हमेशा एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने अपनी ग्रिप पोजीशन को ठीक किया, यानी कि जो फास्ट बॉलिंग ग्रिप होती है, क्या आपने हमारे वीडियो को देख के उसको इम्प्रूव किया? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, राइट। सो गाइस, सबसे बेसिक ड्रिल जैसे हम बैक स्पिन की करते हैं, जैसे नॉर्मली अभी इस समय आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कैसे करी जा रही है बैक स्पिन की ड्रिल। आपको करना क्या होता है कि जब भी आप बैक स्पिन करेंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो आपका बॉल पकड़ने का तरीका है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक होना चाहिए, यस, कुछ इस तरीके से। और आपको पूरा बैक स्पिन देना है बॉल में। जब आप बैक स्पिन दोगे तो क्या होगा, बॉल अच्छा स्विंग होगा। और हमेशा ध्यान रखो, जब आप बैक स्पिन दोगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे सपोज अभी आप करिए ड्रिल पहले, जैसे सपोज जैसे आप दीवार पे, आपने देखा होगा कई लोग पेंट करते हैं दीवार पे, तो क्या होता है कि जब हम पेंट करते हैं तो कैसे ब्रश चलता है, जरा बताएंगे प्लीज़। सो आपको क्या करना है, इस तरह से ब्रश चलता है दीवार पे, राइट, ऐसे आप करते हैं पेंट। तो इसी तरह अगर आप ब्रश को हटा दें और उसकी जगह आपके हाथ में बॉल आ जाए, ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? अब आप करो बॉल के साथ, देखो ये, यस, ऐसे। अब आपको क्या करना, ऊपर से नीचे की तरफ बैक स्पिन मारना है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं बैक स्पिन में, कि वो नीचे से बैक स्पिन करते हैं, यस, ऐसे बैक स्पिन करते हैं, ये गलत है। इसमें आपका फिंगर ही नहीं लग रहा पीछे, तो क्या फ़ायदा होगा बैक स्पिन का? बहुत सारे बच्चे बहुत ऊपर बॉल उछाल देते हैं, ये ऐसे बैक स्पिन करते हैं। लेकिन मैं आपको बैक स्पिन का तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल सही करते हैं, फेस तक हाथ उठाना है और उसके बाद बैक स्पिन देना है बॉल में, सामने की तरफ, यस, सामने की तरफ आपने बैक स्पिन देना है जितना हो सकता है। और बिल्कुल बॉल स्ट्रेट रहना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए बॉल, और बॉल को बिल्कुल सीधा पकड़ें आप। जब आपको फील होना शुरू हो जाएगा, आपके फिंगर से बॉल, मतलब आपके फिंगर पे बॉल फील होना शुरू हो जाएगा, तो समझो कि आपका बैक स्पिन अब बेटर होने लग गया है। आपके फिंगर्स को फील होना चाहिए बॉल, राइट, जो आपका मिडिल फिंगर है, आपका इंडेक्स फिंगर है, उस पर आपको फील होना चाहिए। जब आप बॉल छोड़ो, रिलीज करो, तो आपको महसूस होना चाहिए उन फिंगर्स पे, तो आपका बैक स्पिन इंप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह आपने बैक स्पिन करना है। कितने करने हैं एक बार में, वो भी मैं आपको बता दूं, एक बार में आप 10 बैक स्पिन करिए। और अगर जैसे सीम अगर वोबल हो जाता है, जिस तरह अभी देखिए अभी सीम वोबल हुआ है, अगर ऐसे सीम वोबल हो जाता है, फिर 10 करिए। इस तरह जब आप करेंगे ना बार बार, तो आपको कम से कम एक दिन में 1000-2000 करने पड़ेंगे। लेकिन एक बार अगर आपका बैक स्पिन सेट हो गया, तो आपको ये पुराने बॉल से भी हेल्प करेगा बॉल डालने में अच्छी, और नए बॉल से भी करेगा बॉल डालने में, राइट। और आपका जो स्विंग है वो लेट होगा। जिन लोगों का बैक स्पिन नहीं होता, जैसे मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, आपके हाथ से ना स्विंग पता लगना शुरू हो जाता है, बैट्समैन आपके हाथ से रीड कर लेता है, क्योंकि आपका जो रिस्ट पोजीशन है वो ठीक नहीं होता, ना आपका बैक स्पिन होता है। जब आपका बैक स्पिन होता है, तो बॉल क्या होता है, वो लेट स्विंग होता है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। और लेट स्विंग खेलना बहुत मुश्किल होता है, एज कंपेरिजन की जो स्विंग आपके हाथ से पता लग जाता है। सो उसे डेवलप करने के लिए आपको बैक स्पिन करना ही पड़ेगा, राइट। सो कुछ इस तरह आपने ड्रिल करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे ड्रिल सीख सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। और कोई भी अगर गाइस आपके पास सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। सो गाइस, विद दिस थैंक यू सो वेरी मच। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आपको पता है क्या करना है। बाय बाय।